नमस्कार मैं प्रवेश राय आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क जिले के साथ साथ आज हम पहुंचे हैं अकबरपुर झोंझा में और यहाँ से भावी उम्मीदवार हमारे साथ बाबू भाई मौजूद है आइन से बातचीत करेंगे पूछेंगे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं अपनी क्षेत्र की जनता के बीच पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रही मुद्दों की बात काफ़ी मुद्दे है गाँव की गाँव की काफ़ी समस्या है चाहे वो सड़कों को लेकर हो पानी को लेकर के हो अन्य बहुत समस्या है चाहे किसी गरीब आदमी के आवास की समस्या हो किसी गरीब आदमी के शौचालय की समस्या हो अनेकों बहुत समस्या है हम इसी मुद्दे को लेकर अब जनता के बीच में जा रहे हैं आपने बात की अनेकों समस्या की ऐसी कोई पांच समस्या जो आपको मुख्य लग रही हो गांव के बीच अब मुख्य समस्या तो पहले तो यही है कि सड़कें और जो सड़कों पर पानी भरा रहता है वो है और ख़ास जो मैं बताऊँ आपको युवाओं के लिए युवाओं के लिए जो ख़ास बात यह है उनके लिए कोई ग्राउंड नहीं है जैसे हमारे गांव में एक अभी कश्यप का एक बच्चा था तो मुझे कुछ दिन पहले खबर मिली कि वो बच्चा अपनी तैयारी करने के लिए हुनों के जो लाठरदेवा पड़ता है वहाँ पर अपनी तैयारी करने के लिए जाता है कितना दूर होगा का हूँ के लाठरदेवा कम से कम यहाँ से तीन या चार किलोमीटर दूर है तो वो मिलिट्री की तैयारी कर रहा था तो वो वहाँ पर फील्ड में एक ट्रैक बना हुआ है वहाँ दौड़ लगाने जाता था अगर हमारे यहाँ ग्राउंड होता तो उसको वहाँ जाने की आवश्यकता ना होती जैसे कि आपने बात की क्षेत्र की समस्या की तो ऐसे में आपने बात की पिछले वर्षों में पूर्व समय में आपने क्षेत्र में क्या योगदान दिया है जो आपको खुद ही प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार की ठोक मिली नहीं हम तो हर हर संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं चाहे दिन हो तैयार रहते हैं बात की मैंने पूर्व समय की पूर्व समय में कितने वर्ष बता, बता रहे हैं बता रहे हैं तीन चार साल पहले हम फील्ड में उतरे काफी तो पहले काफी समय से उतरे हुए हैं लेकिन जब हमने सोचा कि हमको चुनाव की तैयारी करनी है चार साल से हम फील्ड में बाकायदा बिल्कुल मौजूद थे चाहे वो सड़कों की समस्या को लेकर हो चाहे कोरोना काल में जो महामारी आई उसकी जो पेशेंटों को ज़रूरत थी जैसे ऑक्सीजन वगैरह की या दवाइयों की या मास्क की या सैनिटाइज़र की हम हमेशा लोगों के बीच में रहें बात की आपने कोरोना महामारी में, में आप लोगों के बीच में रहे लोगों के बीच में रहे तो उस समय में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही थी वो खाने पीने की रही थी तो उसमें आपने क्या किया उसमें भी हमने हमने देखो जब आदमी किसी कोई मदद करता है तो उसको आदमी को ज़्यादा किसी के सामने बताने की जरूरत नहीं है तो हमने ऐसा जताने वाला कोई काम नहीं किया मदद की है लेकिन वो हमको हम उसको किसी के सामने शेयर नहीं करेंगे मुख्य कार्य जो आप आने वाले समय में अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे अनेकों कार्य हैं चाहे वो गरीब अनेकों नहीं जनता कहीं ना कहीं सवाल पूछते हैं कि आपके कार्य क्या का हैं जब आप क्षेत्र की जनता से जाएंगे आप ये नहीं बोलेंगे कि अनेकों कार्य हैं आप उनको नाम बताएंगे कि ये मेरे कार्य है और मैं ये करूँगा तो वो कार्य बताइए नहीं कार्य जो प्रधानी में जो कुछ कार्य होते हैं हम उसको सो पर, सोपरसेंट करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे चाहे वो किसी गरीब आदमी के आवास की बात हो चाहे किसी गरीब महिला की पेंशन की बात हो चाहे किसी जैसे सड़कों में कहीं पानी भरा हुआ हो चाहे उसकी हो चाहे सड़कें बनी हो हम हर हर समय तैयार रहेंगे प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र बता पाएंगे आप उनके क्या क्या काम होते हैं कार्य क्षेत्र बहुत है जैसे कि आपने देख लिया आवास आवास को पता है और गाँव में साफ सफाई के लिए और सड़कें हैं और बहुत कार्य है अब इतना अगर हम गिनवाएंगे तो अब यही बताते बताते चुनाव खत्म हो जाएगा बताने पड़ते हैं ना कि आप जब क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं अनेकों कार्य के लेकर चुनाव जो मूल मुद्दे हैं गांव के मूल मुद्दे ये है कि जैसे मकान है शौचालय है और किसी पेंशन बननी है और किसी गरीब आदमी को सहायता दिलवानी हो चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना से दिलवानी हो या कहीं राज्य सरकार से दिलवानी हो ऐसी बहुत बहुत कार्य हैं आप कहीं कही ना कहीं बहुत बहुत में रह जा रहे हैं लेकिन आप कार्य नहीं बता पा रहे हैं आपको कार्य बताने होंगे क्षेत्र की जनता के लिए आप वो कार्य बताइए जो आप क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे आप बहुत बहुत मत करिए कार्य कार्य तो आपको बता ही दिए हैं बताओ क्या कार्य कार्य तीन या चार नहीं बताओ आप 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 प्रधान के कार्य क्षेत्र बताइए कि प्रधान का काम क्या होता है काम काम तो आपको बताया अभी तो बताया काम आपको और बताओ क्या अनेकों काम बताओ जो काम जिस हमारे प्रधान के लायक होगा वो काम बिल्कुल सौ परसेंट होगा क्या लगता है कि जीतने के बाद क्षेत्र में धरातल पर काम करा पाएंगे बिल्कुल सौ परसेंट जनता जनता का विश्वास जुड़ता जा रहा है चाहे कोई बिरादरी हो किसी समाज से हर 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 वर्ग, हर समाज से बिल्कुल भरपूर समर्थन मिल रहा है कहीं सुनने में आया कि आप कांग्रेस से नाता रखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर क्षेत्र की जनता की बात बात की जाए तो उसमें भाजपा के भी लोग हैं बसपा के भी लोग हैं तो आप जब कांग्रेस से नाता रखते हैं तो आपको लगता है कि वो भाजपा और बसपा के लोग आपको समझ देखो नाता बात ऐसी है चलो आपने नाता कहा है तो मान भी ले आपकी बात लेकिन मेरी बात मत मानिए ऐसा सुनने में आया तब मैंने आपसे सवाल किया अगर आप रखते हैं तो हाँ करिए नहीं रखते तो मैं वही बता रहा हूँ आपको मैं अपनी जनता के लिए हमेशा चाहे मुझे लड़ाई लड़नी पड़े किसी से भी लेकिन अगर मैं कोई जनता मेरी मुझे कोई काम कहेगी मैं चाहे वो कांग्रेस से करा के लाऊ चाहे भाजपा से करा के लाऊ चाहे बीएसपी से करा के लाऊ किसी से भी लाऊं जब नाता आप कांग्रेस से रखते हैं तो भाजपा तो वैसे आपके खिलाफ तो वो काम कर ना ना न ऐसे ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसे ये नहीं है आप नाता नहीं रखते आप किसी पार्टी से ना 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 कोई पार्टी से ऐसे किसी से नाता नहीं है अब क्या मतलब ठीक है आपको क्षेत्र की जनता का समर्थन क्या सकते भरपूर भरपूर समर्थन मिल रहा है चाहे बुजुर्ग हो बच्चे हो युवा साथी हो महिला है मेरी बहनें हैं भरपूर समर्थन मिला बात की जाए सीट की जनरल सीट थी कहीं कही ना कहीं सारे पुरुषों ने अपना नामांकन किया तो आपने अपनी महिला का क्यों अब महिला का इस वजह से किया कि महिला को भी एक आगे आना चाहिए राजनीति में अब हमने देखा कि हमारे यहाँ और भी कैंडिडेट है किसी महिला का कोई नामांकन नहीं था तो हमने सोचा कि अगर ऊपर वाले ने चाह जीत हुई अब पुरुष की बात ऐसी है पुरुष बाहर भी हो सकता है कहीं और यहाँ का अगर जनता को जरूरत पड़ गई तो महिला जो है वो अक्सर घर रहती है तो जनता परेशान ना हो कहीं उसको इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ गई तो वो घर पे ही होगी ये सिर्फ आप बता रहे हैं या हर प्रधान की तरह जो महिला होती हैं वो सिर्फ नामांकन होता है वो जीतने के बाद वो घर में रहती हैं वो कभी ग्राउंड में नहीं दिखती हैं अगर आपको पता हो ये चीज़ तो तो मैं इसीलिए आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये महिला जो है प्रचार करने के लिए बाहर भी जा रही हैं या सिर्फ आपने नामांकन करवा के कोटा पूरा करस बाहर भी जा रही है और जाएगी भी और आपको हो सकता है कि आपको इंटरव्यू भी मिल जाए कब 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 होगा बता देंगे अट्ठाईस के बाद जल्द अट्ठाईस के बाद अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आप खुद इंटरव्यू लोगे मतलब आप ऊपर वाले पे डिपेंड है अपनी मेहनत पे कहीं ना कहीं जो पूर्व समय में आपने किया पूर्व समय में बता रहा हूँ कि आप चाहे मेरी पंचायत का एक और गांव पड़ता है भरतपुर वहाँ जाके देख लीजिए हम चार सालों से चाहे वो किसी भी तरह का काम हो किसी का हम वहाँ पर चौबीसों घंटे मौजूद रहे और उसी की बदौलत आज आवाज़ आ, आ रही है भरतपुर से कि भरपूर समर्थन मिल रहा है अकबरपुर झोंझा से यहाँ से भी भरपूर ये देखिए हमारे साथ अकबरपुर झुंझा से भावी उम्मीदवार बाबू भाई मौजूद थे इनका साफ तौर से कहना है कि जनता पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है और अब ये तो देखना होगा कि कितना समर्थन दे रही है 26 तारीख के वोट पड़ने के बाद मतदान होने के बाद ही पता चलेगा 28 तारीख का जब निर्णय आएगा तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रही हमारे साथ द न्यूज वाला नेटवर्क रुड़की